आसनसोल के रेल पर में शार्प साइट आई हॉस्पिटल और हमजा फार्मेसी की कोलैबोरेशन में एक फ्री आई चेकअप कैंप लगाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और इस कैंप से फायदा उठाया। आइए तब से रिपोर्ट अपने रिपोर्ट के साथ देखते हैं। बेसिकली जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है जिसे जिंजिवाइटिस बोलते हैं, तो ये है। और नेग्लिजेंसी, आप ब्रशिंग वगैरह नहीं करते हो तो इसीलिए ये होता है। दो बार ब्रश करें और नमक पानी, इफ़ यू कांट अफोर्ड माउथ वॉश देन यू यूज नमक स्लाइन वाटर, दैट मीन्स बॉइलिंग वाटर विथ नमक एंड यूज ट्वाइस अ डे, इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर पेशेंट। सर क्या नाम हुआ आपका? आप यहाँ पे किस पेशेंट को देख रहे हैं? हम आज मैं एज ए कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ यहाँ पर। आज हम आई चेकअप के लिए आए हैं एज ए कैंप यहाँ पर। यहाँ पर मैं जैसे आज जितना भी पेशेंट देखे उनमें से मुझे ज़्यादातर कैटरेक्ट तो है, 50% से ऊपर तो मुझे यहाँ पर कैटरेक्ट डायग्नोस हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटिक है, प्रेशर है, जिसके लिए पिछले 10-15 से दवाई ले रहे हैं, उनको भी डायग्नोस हुआ है। एज ए रेटिना के लिए चेकअप के लिए उनको बुलाया मैंने हॉस्पिटल्स, और बहुत सारे थोड़ा सा कम एज में भी लोग मिले हैं जिनका बहुत रिफ्रैक्टिव एरर्स है, यानी कि बहुत हाई नंबर्स है, तो उनको भी मैंने हॉस्पिटल में बुलाया एक बार। देखिए अगर हम बताएं तो मोतियाबिंद ऐसा चीज़ है कि सबको होना है ना, वो कई जैसे हम बढ़ती उम्र के सर हम लोगों का बाल सफ़ेद हो जाता है, इन द सेम केस मोतियाबिंद भी हम लोग की आँखों के अंदर जो नेचुरल लेंस मिलता है वो धीरे धीरे जैसे बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है, यानी कि वो पकने लगता है। तो उनको जीवन भर में सिर्फ एक ही बार ऑपरेशन करवाना है, उसके बाद जो हम आर्टिफिशियल लेंस डालेंगे उसके बाद सब कुछ क्लियर है, बाकी बाद में और कुछ नहीं करना पड़ता है। अहमद साहब आइए, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। सर यहाँ पे अभी क्या आप देख रहे हैं? जनरल जो भी पेशेंट को पेट से रिलेटेड या और भी जितना भी जनरल सर्जरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे गैस हो गया, पेट में दर्द हो गया, बदन हाथ में दर्द, किसी हाथ में ट्यूमर उमर, इस तरह का जो भी पेशेंट आ रहा है जिस तरह का प्रॉब्लम लेके उसी हिसाब से हम दवाई दे रहे हैं। अगर कुछ रिपोर्ट लग रहा है, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं और पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं जो जिस भी तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है वो सब सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ ऑपरेशन का अगर कुछ लग रहा है तो वो भी सजेस्ट कर रहे हैं। सर अगर बात की जाए डेली लाइफ की, तो हम लोग देख रहे हैं गैस एक बड़ा प्रॉब्लम है, लोग क्या करेंगे कि इस गैस का बीमारी से बच सकते हैं? गैस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे पेशेंट खाली पेट चाय ना पिए, दिन में चाय कॉफ़ी ये सब से थोड़ा दूर रहे, तेल वाला खाना नहीं खाए, टाइम टाइम पे पानी पीता रहे, ठीक है, और ज़्यादा देर भूखा भी नहीं रहे। ये सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करिएगा तो आप देखिएगा कि आपको गैस पहले के मुताबिक या फिर कम होगा, और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर दवा खाना पड़ेगा गैस का, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि आदमी इतना कुछ मेंटेन कर नहीं पाता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे मिडिल क्लास से अमीर कोई भी। जो लोग आउट ऑफ एरिया में रहते हैं कभी कभी उनको गैस हो गया, आपने कहा दवा खाना पड़ेगा, तो दो चार दवा प्रिस्क्राइब कर दे आप, ऑडियंस जान जाए ताकि वो इमरजेंसी में कौन सा दवा ले सकते हैं। देखिए अगर आपको श्योर है आपकी आपको गैस की वजह से ही दिक्कत हो रहा है तो नॉर्मली हम लोग प्रोटोन पंप इनहिबिटर PPI बोल कहता है, पेंटोप्राजोल 40, रवेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब कोई भी एक टैबलेट खाने से आपको आराम मिल जाएगा। अगर उससे भी आराम नहीं मिलता है, अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर और साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है और ये सब दवा टैबलेट खाने से आराम नहीं हो रहा है, तो अब लोकल डॉक्टर से कांटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि चेस्ट पेन और अपर एब्डोमेन पेन दोनों एक ही तरह का सिम्टम लेकर आता है, आदमी को लगता है कि गैस हो गया है। लेकिन हम लोग बहुत बार ऐसा हॉस्पिटल में देखते हैं आदमी गैस का तकलीफ लेकर भर्ती होता है, लेकिन ECG करते हैं तो देखते हैं हार्ट अटैक आता है। तो ये अगर शुरू में नहीं आराम मिल रहा है तो आदमी को लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर इब्रार आलम साहब हैं, इनकी हमजा फार्मेसी है, और हम इन दोनों देख रहे हैं कि ये डॉक्टर भी हैं, मेडिसिन से इन काफ़ी रिलेटेड, और सबसे बड़ी बात ये है कि बराबर हेल्थ चेकअप कैंप फ्री में करते हैं, और फ्री में हेल्थ चेकअप कैंप होने की वजह करके ये होता है कि बहुत से जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो भी यहाँ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब उनसे मैं बात करता हूँ। सर आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर इब्रार आलम। ये हेल्थ चेकअप कैंप का कंसेप्ट कहाँ सा है? हम लोग देख रहे हैं कि आप गलेबन बहुत दिनों से कर रहे हैं। सर ये मेरा जो कैंप है 1990 से ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि हमने देखा हमारे पास जो भी पेशेंट हैं वो नीडी पेशेंट हैं, ज़रूरतमंद पेशेंट हैं, तो ये 1990 से हमारा कैंप चल रहा है जिसमें हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप,
ब्लड शुगर चेकअप, थायराइड चेकअप, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी जो हमसे बन पड़ता है उसको इस तरीके से हम देखते हैं। और ये हर हफ्ता हमारे हमजा फार्मेसी में ये चेकअप फ्री होता है। आज मैंने कौन कौन डॉक्टर साहब आए हैं और क्या क्या चेकअप करवा रहे हैं आप? आज जो हमारा चेकअप है, आज हेल्थ चेकअप है, आई चेकअप है, डेंटल चेकअप है, साथ में ईसीजी चेकअप है, जिसमें अभी जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुहाग बोस हैं, डॉक्टर अहमद साहब हैं, साफ साइट हॉस्पिटल से जो हमारे साफ साइट आई अस्पताल के बेहतरीन टीम अभी मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिरूप बसक हैं, डॉक्टर सुबोधदीप घोष हैं, डॉक्टर निरूपमा नास्कर हैं, डॉक्टर सीरिया पुद्दार हैं, डॉक्टर कौस्टव चाटर्जी हैं, डॉक्टर एम ए जी रब्बानी साहब हैं। तो ये सब हमारे टीम में मौजूद हैं हर वक्त। अच्छा, आप तो चूँकि खुद डॉक्टर हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बड़ा फास्ट फूड के दौर में गुजर रहे हैं, बीमारी डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये डॉक्टर साहब लोग क्या करें कि थोड़ा सा कम से कम बीमारी हो? सबसे पहला जो ये है, हम लोग हर पेशेंट को ये कहते हैं कि बाहर का खाना आपको बंद करना है, जैसे कि पूड़ी है, कचौड़ी है, चाउमिन रोल या फास्ट फूड, जंक फूड जो भी आपके पास है वो आपको नहीं लेना है। और पानी हमेशा बॉयल करके आपको लेना है, प्री बॉयल वाटर हमेशा इस्तेमाल करना है। और हम लोग ये भी कहते हैं, आप जब खाना इस्तेमाल करते हैं तो खाने के फौरन बाद पानी ना लिया करें, और कोशिश करें कि नॉर्मल डाइट, बैलेंस डाइट ये हमेशा इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर है, काम भी करेंगे ना, आप कहीं ना कहीं सोशल काम बहुत करते हो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर होने के नाते सोशल काम करने की आखिर वजह क्या है? असल में हमने कई चीज़ों से गुजरा है, जो कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जो कान का जो बाली है वो बाली लेके हमारे पास आए, बट डॉक्टर साहब ये हमारा सोने का बाली है, मेरे बच्चे को आप देखिए, मेरे बच्चे को आप बचाइए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, नीडी पेशेंट काफ़ी हमारे पास में हैं, तो इनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम कोशिश करते हैं कि हमारे तरफ से जो भी बेनिफिट पेशेंट को मिले वो हर हफ्ता मिलता रहे, और मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगा कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर हम करेंगे। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन ये कि फ्यूचर में और क्या करने का इरादा है? फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है अभी जो हमारे पास टेस्टिंग जो मौजूद है, हम चाहते हैं कि इससे बेहतर और हम करें, जैसे कि USG है, आपका स्कैन वगैरह CT स्कैन है, या फिर एक्सरे का बड़ा सेटअप हमारे पास हो जो हम कम खर्च में और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कर पाएँ। चलिए सर, आपके शेड्यूल बिजी थे, फिर भी अपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।